काल के इस दौर में अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया दे रहे हैं जिसपे आप लागत का 3 गुना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। इस बिजनेस की शुरुआत के लिए 30,000 रुपए की जरूरत है। इसमें सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी भी मिलती है और आप लाखों रुपए महीना कमाकर जल्द ही करोड़पति बन सकते हैं। दरअसल ये है मोती का बिजनेस, यानी कि पर्ल फार्मिंग। आज के समय में पर्ल फार्मिंग पर लोगों का फोकस तेजी से बढ़ा है। इसकी खेती करके कई लोग मोटी कमाई कर चुके हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर मोती की खेती करके कोई भी अपनी किस्मत मोती की तरह चमका सकता है। जानिए कैसे करें मोती का बिजनेस। पर्ल फार्मिंग के लिए एक तालाब की जरूरत होती है जहां सीप तैयार होता है। इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। कुल मिलाकर आपको 3 चीजों की जरूरत है। आप चाहें तो तालाब खुद के खर्च पर खुदवा सकते हैं या सरकार भी 50% सब्सिडी मुहैया कराती है, आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। सीप भारत के कई राज्यों में मिलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत और बिहार के दरभंगा में सीप की क्वालिटी अच्छी मिलती है। इसके लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मुंबई में मोती की खेती करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे करें मोती की खेती। सबसे पहले सीपों को एक ज्वाल में बांधकर 10 से 15 दिनों के लिए तालाब में डाल दिया जाता है ताकि वो अपने मुताबिक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। इसके बाद उन्हें बाहर निकालकर उनकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी यानी सीप के अंदर एक पार्टिकल या सांचा डाला जाता है। इस सांचे पर कोटिंग के बाद सीप लेयर बनाते हैं जो आगे चलकर मोती बनता है। 25,000 से 35,000 रुपए से कर सकते हैं शुरुआत। एक सीप के तैयार होने में 25,000 से 35,000 रुपए की लागत आती है। तैयार होने के बाद एक सीप से 2 मोती निकलते हैं और एक मोती कम से कम 120 रुपए में बिकता है। अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो 200 रुपए से ज्यादा के दाम पर भी बिक जाता है। अगर आप 1 एकड़ तालाब में 25,000 सीप डालते हैं तो इस पर करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। मान लें कि अगर तैयार होते वक्त सीप बर्बाद भी होते हैं तो 50% से ज्यादा सीप सुरक्षित निकलते हैं। इससे आसानी से 30 लाख रुपए सालाना की कमाई हो सकती है। ऐसे बनता है सीप से मोती। सबसे पहले सीप को 2 से 3 दिन के लिए खुले पानी में डाला जाता है ताकि सीप के ऊपर एक कवच और इसकी मांसपेशियां नरम हों। अगर सीपों को ज्यादा समय के लिए पानी से बाहर रखा गया तो ये खराब हो सकते हैं। मांसपेशियों में नरमी आने के बाद मामूली सर्जरी से उसकी सतह पर 2 से 3 मिलीमीटर के छेद करते हैं जिसमें रेत का एक छोटा सा कण डालते हैं। इसके बाद 2 से 3 सीप को नायलॉन के जालीदार बैग में रखकर तालाब में बांस या पाइप के सहारे पानी में लटका दिया जाता है। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।